नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। इस समय की दो बड़ी खबर हम आपको बता दें, अपडेट भी दे दें और तस्वीरें भी आपको दिखा दें। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। आज वो नादिया जिले में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी तरफ देशभर में किसानों का चक्का जाम जारी है। किसानों की एक ही मांग, सरकार तीनों कृषि कानून बिल वापस ले और तभी ये आंदोलन खत्म होगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा का रोड शो आप देख सकते हैं। मालदा में ये रोड शो और अब से कुछ देर बाद मालदा से वो नादिया के नवदीप पहुंचेंगे, जहां पर वो परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। तो दो तस्वीरें आपके सामने। दोपहर 3 बजे तक ये चक्का जाम चलेगा। किसानों ने 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इस चक्के जाम का आह्वान किया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये चक्का जाम नहीं होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय सीधे पश्चिम बंगाल के मालदा से, जहां पर कि रोड शो निकाला जा रहा है जेपी नड्डा का। आप देख सकते हैं उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष भी मौजूद हैं और एक नई ऊर्जा का संचार करने की कोशिश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के द्वारा, ताकि ममता के गढ़ में कड़ी टक्कर उनको दी जा सके। और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ वो पार्टी जिसका कोई ऐसा खास जनाधार नहीं है पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब वो लगातार लोकप्रिय होती हुई नज़र आ रही है। और अगर कोई दो पार्टी आमने सामने है जो कि लेफ्ट और टीएमसी होती थी, तो इस बार बीजेपी और टीएमसी की सीधी सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जय श्री राम के नारे से नाराजगी है ममता बनर्जी को, लेकिन अब ये नारा पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। और इसी आह्वान के साथ जेपी नड्डा का रोड शो। अब तो हम जब बोलते हैं तो सामने से नारे लगते हैं जय श्री राम। मैं अभी आया, हेलीपैड से लेकर सारे रास्ते मैं सिर्फ ऐसे हाथ हिलाता था, उधर से कहते थे जय श्री राम। और ममता जी को इतना गुस्सा क्यों आता? क्यों गुस्सा आता? अरे किसानों की सेवा की होती तो यह दिन देखने को नहीं मिलते। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और तिरपाल चोर कहकर भी निशाना साधा। उसी तरीके से आज हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारा मजदूर, जो आर्थिक दृष्टि से उसको सहयोग मिलना चाहिए था, बंगाल 29 स्थान में 24वें स्थान पर खड़ा है। यह परिस्थिति लाकर के ममता जी ने खड़ी की है। यहां इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, यहां स्टोरेज अनाज को रखने की व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए दिया है ताकि किसान अपने बारे में विकास के लिए खुद सोच सके और आगे बढ़े। मेरा आपसे निवेदन है, अभी चुनाव होगा, ममता जी को टाटा, उनको नमस्ते। मैं आजकल देखता हूं, जहां जाता हूं मुझे पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें मिलती है। पीसी और भाईपो दोनों की तस्वीरें, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, हर कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, उनके पोस्टर मिलते हैं। ममता जी, बंगाल की जनता ने आपको नमस्ते करने का तय कर लिया है, ये बात आप समझ लीजिए। भाईपो को नमस्ते करने का तय कर लिया है। बोल चाल चोर, चाल चोर कौन है? बोलो त्रिपाल चोर कौन है? कौन है त्रिपाल चोर? तोलाबाजी कौन कर रहा है? और नदिया में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रोड शो की हैं और अब से कुछ देर बाद नादिया पहुंचेंगे जेपी नड्डा, वहां पर परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहां का हाल हमारे सहयोगी कुंतल से जान लेते हैं। कुंतल वहां मौजूद हैं। कुंतल, दिखाइए तस्वीरें, क्या तैयारियां?
इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अभी भी रथ जो है रथ यहाँ पहुंचा नहीं है और इसी का इंतजार फिलहाल जो कार्यकर्ता है और यहाँ मौजूद जो जिले स्तर के नेता है वो भी कर रहे हैं। और कुछ ही देर पहले मैंने बात किया था, जो प्रिपरेशंस देख रहे हैं राजू बैनर्जी बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि कुछ ही देर बाद यहाँ रथ जो है पहुंच जाएगा और यहीं से हरी झंडी दिखाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ ही देर बाद रथ यात्रा का सूचना करने वाले हैं। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, आपसे बात करूंगा, जानना चाहूंगा कि किस तरह से इंतजार कर रही है आप और कितने देर में यहाँ रथ जो है पहुंच जाएगा। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের জেপি নাড্ডাজি আমাদের সকলের মধ্যে উপস্থিত হবেন, আর বেশি দেরি নেই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন অলরেডি রাহুল সিনহা, তারপরে দিলীপ ঘোষ, সকলে ওনারা এসছেন। তো আপনারা একটু খানিক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমাদের আর খানিক্ষণ পরেই জেপি নাড্ডাজিকে আমরা সরাসরি সকলে দেখতে পারবো। কে রে কি কুচি দের বাদ ইয়া রাত ভি পৌঁছ জায়গা আর জেপি নাড্ডা বিজেপি কে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সমেত বাকি জো বিজেপি কে জো রাজ্য স্তর কে বড়ে নেতা হ্যায় ও ভি পৌঁছ জায়েঙ্গে। আর ধীরে ধীরে ভিড় ভি ইয়াহ ইকট্ঠা হো রহি হ্যায়। और ये मैदान जो है चोटी माठ मैदान नदिया में नवद्वीप में, वहाँ ये मैदान खचाखच भरा रहेगा, ऐसा ही उम्मीद है बीजेपी के जो नेता है यहाँ जिले स्तर के जो नेता है उनका। लेकिन आपको बता दूं नवद्वीप में मतलब रथ निकालना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि पुराना शहर है, छोटी छोटी गली है, लेंस है, तो इस वजह से यहाँ से कितना आगे तक जेपी नड्डा जाएंगे ये देखना होगा। कि हालांकि वो एक घंटा शेड्यूल के मुताबिक एक घंटा रहने वाले हैं, 3 से 4 बजे तक। उसके आगे ये जो रथ है परिवर्तन यात्रा यहाँ से कृष्णनगर और कृष्णनगर से और भी आगे बेथुआ डोहरी तक चला जाएगा, और वहाँ आज रथ का नाइट स्टे है और ये जोन वन है। आज यहाँ से रथ यात्रा यानी कि परिवर्तन यात्रा का शुरुआत हो रही है। बंगाल में परिवर्तन की आवाज यहाँ से उठने वाली है और इसके आगे 8-9 तारीख को तारापीठ और झाड़ग्राम, 11 तारीख को कुछ बिहार और 12 तारीख को काकदीप यानी कि सागर से अलग अलग जगहों से रथ निकलने वाला है और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सफर तय करने के बाद अल्टीमेटली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी अगले महीने रैली को संबोधित करने वाले हैं, वहां तक ये रथ पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल जो 5 स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से 5 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट तक की ये यात्रा का रूट मैप है, यही प्लान है बीजेपी का, बंगाल बीजेपी का। बिल्कुल ठीक है कुंतल, आप बने रहिए। और एक बार फिर तस्वीरें हम दिखा देते हैं मालदा से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो चल रहा है। और ये देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रोड शो का हिस्सा बने हुए हैं। और इसके बाद यहाँ से कुछ देर बाद रवाना होंगे नादिया के नवदीप, जहाँ पर कि परिवर्तन रथ यात्रा को वो हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन बड़ी संख्या में ये जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की चिंता जरूर बढ़ा रहा होगा। और ये देखिए परिवर्तन यात्रा का जो रूट मैप है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। आप नीचे बैंड में देखिए नवादीप, झाड़ग्राम, झाड़ग्राम से तारापीठ, तारापीठ से फिर वो कूच बिहार जाएगा। ये परिवर्तन यात्रा का जो रूट मैप है वो आपके सामने, और कूच बिहार से काकदीप पर जाकर ये खत्म होगा। और 5 जोन्स में पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने बांटा है जिसमें ये रथ यात्रा निकाली जाएगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।